हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी। प्याज के पराठे बनाना आसान है, तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। आपको जितना आटा लेना है आप उतना ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप के करीब आटा लिया। तो अब हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक आधा छोटा चम्मच के करीब, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। तो अब इन सबको मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। इसका डो आपको सॉफ्ट लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने डो सॉफ्ट लगा लिया है। अब हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे ली है 2 प्याज जिसे हमने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है, ये देखिए। तो अब चलिए हम लोग प्याज की फिलिंग तैयार करते हैं जो हम लोग पराठा में डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, धनिया पत्ता, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह आप अच्छे से प्याज को मिलाइए और इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। और यहाँ पे भी 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं प्याज पराठा। गैस पे एक तवा चढ़ाएंगे और तवे को गर्म होने देंगे और ऐसे हम लोग आटे की लोई बना लेंगे। लोई आप थोड़ी बड़ी लीजिएगा क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग करनी है। तो ये देखिए, ऐसे हम लोग इसे चिपटा कर लेंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे। अब हम लोग इसमें करेंगे ये प्याज की स्टफिंग 1 चम्मच। अब इसे अच्छे से बंद करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से बंद कर लिया। अब इसे हम लोग पराठे के शेप में बेल लेंगे। तो अब देखिए ऐसे बेल ले। तो ये देखिए, हमने इसे बेल लिया है और तवा हमारा गर्म हो गया है। हमने इस पे पराठा डाल लिया। अब इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक सेक लेंगे। एक साइड हो गया है तो अब हम लोग इसे पलट के एक साइड पे तेल लगाते हैं, जिस साइड हमने इसे रखा था तवा पे। इसे फिर से पलट लेंगे और अब दूसरी साइड पे तेल लगाएंगे। ये सब करने पे गैस का फ्लेम हाई रहेगा और ऐसे हम लोग इसे अलट पलट के सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज का पराठा तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ऐसे ही हम लोग और पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे प्याज के पराठे बनके तैयार हैं। अब चलिए इसे साफ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम मज़ेदार प्याज की स्टफिंग वाले पराठे बनके तैयार हैं। ये देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में या फिर किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, आलू की, गोभी की, किसी भी सब्जी के साथ, या रायता के साथ या दही के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार आप इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।